सावरकर बंधुओं की प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये दो निष्ठावान पुत्र सदा के लिए हाथ से चले जाएंगे। एक सावरकर भाई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला था। वे बहुत बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं। वे क्रांतिकारी हैं और इसे छिपाते नहीं। मौजूदा शासन प्रणाली की बुराई का सबसे भीषण रूप उन्होंने बहुत पहले, मुझसे भी काफी पहले देख लिया था। आज भारत को, अपने देश को दिलोजान से प्यार करने के अपराध में वे काला पानी भोग रहे हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में यह बात महात्मा गांधी कह रहे थे, जब सावरकर अपने बड़े भाई गणेश के साथ अंडमान में काला पानी की सजा काट रहे थे। दोस्तों, जाहिर है कि आज हम इस वीडियो ब्लॉग में वीर सावरकर की बात करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। दोस्तों, भारत माता के वीर सपूत सावरकर के बारे में आज अंट संट बोलने वाले महात्मा गांधी के नकली उत्तराधिकारियों को शायद यह पता ही नहीं होगा कि सावरकर बंधुओं के लिए महात्मा कितना पवित्र और सम्मान का भाव रखते हैं। आपने इस बात पर गौर किया, महात्मा गांधी कह रहे हैं मौजूदा शासन प्रणाली की बुराई का सबसे भीषण रूप सावरकर ने बहुत पहले, मुझसे भी काफी पहले, यानी गांधी जी से भी काफी पहले देख लिया था। और सावरकर से भेंट की बात को वे सौभाग्य बता रहे थे। जिन्हें महात्मा गांधी के विचार समझ में आ जाएंगे वे सावरकर के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर का नाम सामने आते ही मन में एक रोमांच जागता है। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, श्रद्धा से शीस झुक जाता है। सावरकर भारत का ऐसा नायक है जो यशस्वी क्रांतिकारी है, समाज उद्धारक है, राजनीतिक विचारक और प्रख्यात चिंतक है, जो उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। सावरकर के साथ इतने प्रथम जुड़े हैं कि आप भी जानकर गौरव की अनुभूति से भर जाएंगे। वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उसके ही घर में, लंदन में, क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने सन 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको शिवाजी के समान बताकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इस घटना के 15-16 वर्ष बाद महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया और विदेशी कपड़ों की होली जलाने का आह्वान किया। सावरकर पहले भारतीय थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। ब्रिटेन में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ लेनी पड़ती थी, तब ही बैरिस्टर की उपाधि दी जाती थी। सावरकर ने क्राउन के प्रति वफादारी की शपथ नहीं ली, जिसके कारण उन्हें बैरिस्टर की उपाधि का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। मित्रों, वे पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उनके पहले तो सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई ही लड़ी जा रही थी। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का स्वाधीनता संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पृष्ठ का महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। उससे पहले दरबारी लेखक उसे सिपाही विद्रोह बताते रहते थे। भारत के ये दरबारी इतिहासकार आज तक 1857 के संग्राम को सिपाही विद्रोह ही बताते आए हैं। वे पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक हैं जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश और ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और दूसरे अन्य क्रांतिकारियों ने इसे छपवाकर क्रांतिकारियों में बंटवाया था। क्रांतिकारियों में सावरकर की पुस्तक 1857 का स्वातंत्र समर का सम्मान भगवद गीता के समान था। वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी हैं जिनका मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चला था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस की मिलीभगत से उन्हें न्याय नहीं मिल सका।
वीर सावरकर विश्व के पहले क्रांतिकारी और भारत के ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जिन्हें अंग्रेज सरकार ने 2 आजन्म कारावास दिए। वीर सावरकर पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 साल से अधिक समय तक आजादी के लिए कोल्हू चला करके 30 पौंड तेल रोज निकाला। सावरकर के तेज से भयभीत अंग्रेजों ने उन्हें अलग अलग जेलों में लगभग 30 वर्षों तक रखा बंदी बनाकर। वे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया। वे सामाजिक समरसता के कट्टर पक्षधर थे। उन्होंने उस समय बड़ी संख्या के सहवोद भी आयोजित करवाए थे। वीर सावरकर ने ही पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम गावा ने फहराया था। वीर सावरकर ही वे पहले कवि थे जिन्होंने कागज कलम के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर और कोयले के टुकड़ों से कविताएं लिख डाली। जेल में उन्हें कागज पेन तक नहीं दिए जाते थे। तो मित्रों, यह है वीर सावरकर का संक्षिप्त परिचय। अब कोई आपसे सावरकर के योगदान और उनकी महानता के विषय में पूछे तो उसे यह सब सुना देना। अब हम आपको छोड़े जा रहे हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक ओजस्वी कविता के साथ जिसमें उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर का गौरवपूर्ण वर्णन किया है। यह कविता प्रत्येक राष्ट्रभक्त को सुननी चाहिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमलाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व, कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कवि को शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी।